लेकिन सर एक बड़ी अच्छी होप आई है हमारे सामने, वो कुमार कुंदन से मैं पूछूंगा। अमेरिका की एक स्टडी में दावा किया है कि वो वैक्सीन है सबसे असरदार। इस वक्त की बड़ी खबर, डबल म्यूटेंट वेरिएंट के साथ ब्रिटेन के स्ट्रेन पर भी कोवैक्सीन असरदार। यूएस की स्वतंत्र जनरल क्लिनिकल इंफेक्शियस डिजीज की स्टडी में दावा है, आईसीएमआर ने भी कोवैक्सीन को सभी प्रमुख वेरिएंट बता चुका है असरदार। सीधे मैं चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, कोवैक्सीन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन के आ रही है, बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन में से एक बन के आ रही है। आपने खुद कोवैक्सीन का ट्रायल स्टेज में खुद डोजेस लगवाए हैं, आप खुद ही उसके ट्रायल स्टेज के व्यक्ति थे, और ये अपने पैनल को मैं बताना चाह रहा हूं, आपके लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात होगी। कुमार कुंदन जी ने वॉलंटियर किया था इसके लिए, अभी इसके बारे में क्या इनपुट और आ रहा है, खासकर इसके प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि जब इतनी अच्छी दवाई है तो इसके प्रोडक्शन पे भी लोग ध्यान देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जहां तक प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात हो रही है, और तकरीबन अगले महीने से 1 करोड़ और उसके आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है। बकायदा कुछ और कंपनियों से भी बात चल रही है जिनको कि प्रोडक्शन लाइसेंस देने की बात है, जिसमें महाराष्ट्र की भी एक कंपनी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इन अलग अलग कंपनियों से टाइप होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। पहली बात, जहाँ तक कोवैक्सीन की एफिकेसी की बात है, सबसे पहले तो हमारे देश में ICMR ने उसको बताया कि ये सबसे अच्छी है, और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ विदेशों में ये दवा गई है वहाँ वहाँ भी स्टडी होना शुरू हुआ, मतलब कि दुनिया के कई सारे देशों में ये वैक्सीन गई, और उन देशों में जब बकायदा वैक्सीनेशन शुरू हुआ और वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद वहाँ के लोगों पर रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं तो वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अलग अलग देश अब इस बात को लेकर मानने लगे हैं कि जो हिंदुस्तान का देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो सिंगल म्यूटेंट या डबल म्यूटेंट या डबल वेरिएंट सब पे जो है कारगर है, और ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि याद होगा आपको निशान, जब कोवैक्सीन आ रही थी, जब इमरजेंसी अप्रूवल हुआ था, उस वक्त तरह तरह के सवाल उठे थे और कई मंचों से कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। आज ये स्थिति है कि सबसे शानदार वैक्सीन के तौर पर ये उभर रहा है, और अभी तक देखिए दो डोजेस के बीच में 28 से 40 दिन का जो गैप है, कोई चीज मतलब उसमें चेंजेस नहीं है, और दूसरी तरफ उसकी एफिकेसी भी बरकरार है, और अब तो बूस्टर डोज लगाने की भी बात हो रही है जिससे दावा किया जा रहा है कि और ज्यादा। आपने जो बताया है, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर गुप्ता के पास। सर, ये वो मेक इन इंडिया चीज है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, और हमारी एक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी होती है कि हमें विदेशी माल ज्यादा समझ में आता है। अभी पूरी दुनिया में हम लोग सोच रहे स्पूतनिक कमाल करेगी, और जिनके पास नहीं मिली है, जिनको पता नहीं है, वो बोल रहे हैं फाइजर की वैक्सीन और अच्छी हो जाएगी। आपको नहीं लगता इसका इसका पेनिट्रेशन खासकर उन स्टेट्स में जहां पर स्ट्रेटेजिकली, जहां पर अभी बहुत ज्यादा कोरोना है, वहां पर इसका वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज करना चाहिए? क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ 28 दिन के बाद दूसरा डोज मिलता है, फिर इसके वेरिएंट्स, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स जो है म्यूटेंट्स में, उस पर असर कर रहा है। देखिए, आपका बहुत अच्छा निशांत, आपके एक क्वेश्चन का जवाब रह गया। आपने कहा था 6 महीने हो चुके हैं क्या हर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जी जी। आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी कि जिनके 6 महीने निकल चुके हैं और हर्ड इम्यूनिटी आती भी है तो वो क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कहता हूँ, जैसे मैंने फरवरी में सेकेंड डोज लगाई थी वैक्सीन, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 6 महीने निकल चुके होंगे, क्या मेरी एंटीबॉडीज रहेंगी नहीं रहेंगी, इसका जवाब WHO के पास भी नहीं है और भारत के पास भी नहीं है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, हो सकता है 6 महीने बाद हम लोग को फिर से थर्ड बूस्टर लगानी पड़े, वो अलग बात है। आपने कोवैक्सीन इज आवर ओन प्रोडक्ट, इसे भारत बायोटेक प्लस ICMR, इट्स अ किल्ड वायरस, एटेन्यूएटेड वायरस जो कि इनोकुलेट कर दिया जाता है। ये पुरानी एक पद्धति चली आ रही थी, कई वैक्सीन पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होती रही है, जबकि mRNA जो फाइजर की है और मॉडर्ना की वैक्सीन है, दोनों बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। कमिंग टू कोविशील्ड जो है वो अलग तरीके की वैक्सीन है जिसके अंदर चिंपांजी के वायरस लेके स्पाइक प्रोटीन। अब ये बाकी बात है कि कोवैक्सीन क्योंकि कोल्ड किल्ड वायरस पूरा वायरस है, ऑल स्पाइक प्रोटीन्स आर देयर एंड ऑल्दो सेल इज ऑल्सो देयर, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दिस कैन बी मोर एफिकेशियस। जब अमेरिका ने भी कह दिया था हम लोग विश्वास करेंगे, पहले अपने को विश्वास नहीं कर रहे थे, ईस्ट वेस्ट इज द बेस्ट हम लोग सोचते रहे हमेशा से, तो ये वैक्सीन, आपका क्वेश्चन है क्या कोवैक्सीन का ज्यादा इस्तेमाल करा जाए रूरल एरिया में, ये देखिए ये बड़ा मुश्किल है इसको बारे में इसका जवाब देना। ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड इज नॉट वर्किंग, कोवैक्सीन इज
वर्किंग ऑल्सो ऑन डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स। और ये भी हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में हमारे जान पहचान की है जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई थी उसके बाद भी उनको हुआ है न्यू इन्फेक्शन। सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हमारी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, केवल भारत बायोटेक पर डिपेंडेंट ना रहे, बाकी कंपनीज को भी इसके फॉर्मूले दिए जाए जिस जो और वैक्सीन बनाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्स एंड एक्स वाई जेड, कोई ऐसा नहीं है, समथिंग टॉम नॉट टॉम डिक एंड हैरी, बट एनीबॉडी हु हैज गॉट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमने सोचा है कि 2000 हमारे बाहर से इम्पोर्ट हो जाएगी, उन्होंने कल अगर मना कर दिया, सपोज करिए अक्टूबर में मना कर देते हम नहीं देंगे, जो तो 210 करोड़ का हमारा जो वादा है और दावा है दोनों है कि हमारे पास दिसंबर। डॉक्टर साहब आपका लिंक टूट गया है, आई एम सॉरी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, समथिंग इज रॉन्ग। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।